मेरे देवाधि महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय दो चीज़ें, मेरे शंकर को अति प्रिय, मेरे शंकर भगवान को बहुत प्रिय, भक्ति और भाव। शंकर की सबसे ज़्यादा प्रिय, शिव की सबसे ज़्यादा प्रिय दो चीज़ें हैं, एक भक्ति, दूसरा भाव। शिव जी की दो चीज़ें बड़ी प्रिय है, एक भक्ति और दूसरे नंबर पर है भाव। अब भक्ति किसकी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान का पावन कथा वर्णन कर रही है, शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भक्ति किसकी? आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने घर में निवास कर रहे हो, और घर में रहकर भी अपने परिवार को संभालते हुए, अपनी परिवार को संजोते हुए, अगर मुख से चलते फिरते भी भगवान का नाम ले रहे हो, तो समझ लो कि शिव तुमको स्वीकार कर रहा है, तुम्हें ठुकरा नहीं रहा है, शिव तुम्हें स्वीकार कर रहा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कर्म करते करते, काम करते करते भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, नाम ले रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दो चीजों से भगवान शंकर मिल जाते हैं, भक्ति के बल पर, दूसरा भाव के बल पर। दूसरे नंबर पर है शुद्ध सात्विक भाव, आपका भाव, आप भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव रखते हो। भाव इसको नहीं कहते कि तुमने 56 भोग भगवान को लगा दिया तो भगवान खुश हो गए, तुमने भगवान को पीताम्बर दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने लड्डू पेड़ा दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने बेलपत्र दे दिया भगवान खुश हो गए, इसको भाव नहीं कहा गया। भाव किसको कहते हैं? कि तुम भगवान से कोई संबंध जोड़ दो। तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध बना लो, तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध जोड़ लो जो एक संबंध बाप और बेटी का होता है, जो एक संबंध भाई भाई का होता है, जो एक संबंध स्नेह का, बहन भाई का, एक संबंध जो होता है प्रेम का संबंध, वो संबंध जो है। हम आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आना कि वो तुम्हारा मायका है। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा, बोलते हैं ना कि अगर सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आओ कि वो तुम्हारा मायका है, वो तुम्हारा मायका है। तो केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है, केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग, महाकाल जाओ, काशी जाओ, केदार जाओ, सोमनाथ जाओ, मल्लिकार्जुन जाओ, सोमेश्वर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिस ज्योतिर्लिंग पर दर्शन करने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम आओ, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ शंकर का अगर धाम है तो तुम ये मान कर जाओ कि यहाँ मेरा मायका है, मैं अपने बाप से, अपने पिता से बात करने के लिए आई, अपने पिता से मिलने के लिए, और अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने पिता से हम हमारे दिल की बात, हमारे हृदय की बात, हमारे चित्त की बात हम कर, अब करो दो क्षण बैठ कर
दो पल बैठकर, दो घड़ी बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात करें, दो पल बैठकर, दो घड़ी बैठकर, दो क्षण बैठकर आप भगवान शंकर से अपने दिल की बात करें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप जितना पल, जितनी घड़ी, जितना क्षण परमात्मा को दे रहे हो, दो घड़ी, दो क्षण, दो पल जो तुमने परमात्मा को दिया, उसमें कुछ क्षण बैठकर शिव से कुछ बातें करो। कुछ बैठकर बातें करो। हम अपनी बातें कहेंगे ना तो तुम लोग हंसोगे, आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसी बातें करते हैं। कई लोग उसको हंसेंगे, विचार करेंगे कि क्या ऐसा ऐसा करना चाहिए। पर कभी कभी मन में जब आता है तो घर में दो रोटी बनवा कर, थोड़ा अचार रखवा कर, थोड़ी सब्जी रखवा कर, थोड़ा मीठा रखवा कर, टिफिन लेकर शिवालय में चले जाते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कहीं पर भी एकांत में बैठ जाते हैं, कंकर उठाया, पूजन करी, रखा और बाबा के साथ बैठकर ही शिव को भोग लगाकर वही प्रसाद पाने का प्रयास करते हैं। शिव को भोग लगा, एक चरित्र आता है, एक बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पांव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त तो होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त तो ही नहीं, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो तुम बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न, कितने ग्रास जम के बोलो जरा, 7 ग्रास, 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को, उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर
सात बार एक ही लोटे का जल सात बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए सात बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लिया, प्रसाद लिया, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को सात गांस से थोड़ी थोड़ी देर में सात बार में उसको खा लेना। बाबा देवदिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर सात बार आचमन कर लीजिए और शिव का पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति दिन की फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की चल रही है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कथा के माध्यम से आज कथा की शिवरात्रि है, आज कथा की शिवरात्रि। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी इस पंडाल में, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा टीवी पर 2 से 5 आएगी। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, गाड़ियों के गेट खोल खोल के आप लोग बैठे हुए हो, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठे। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए जो 2-2.5 घंटे हमें कथा के मिले हैं, आज चतुर्थ दिवस की कथा को इतने दिल से सुन लो कि तुम अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी एक पत्र व्यासपीठ पर रखा हुआ मिले कि बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर बेलपत्र रखकर शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को प्रसाद को लेकर आए, उसको पाई, उसको पाई। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में आए। केवल एक भरोसा, शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा प्रबल। जैसे एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहां पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ था।
अब एक लड़का दुबला पतला सा हमारे पास में आया और आकर बोला, गुरुजी मैं भी रक्तदान कर दूं। क्या मैं भी रक्तदान कर दूं? एक तो बहुत दुबला पतला, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां, थोड़ा सा मांस, और वो दुबला पतला सा लड़का कहे, गुरुजी मुझे भी रक्तदान करना है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूं? हमने कहा, बेटा तुम्हारा मन है, खूब प्रेम से करो, और करना चाहिए, तुम्हारा दिया गया रक्त कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए।